हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपशिफ्ट सॉफ्टवेयर सेलेक्शन लिमिटेड कंपनी के बारे में। छोटा सा पेनी स्टॉक है और आज के दिन में कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला, तो आगे चल के क्या हो सकता है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो आप पूरा एंड तक देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आज के दिन देखें तो स्टॉक का कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। जैसे प्रीवियस क्लोज था 3.80 रुपये कल के दिन का, उसी प्रीवियस क्लोज के अंदर स्टॉक आज भी 3.80 रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। हाँ, आज के दिन में एक टाइम में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद में मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे स्टॉक मोमेंटम किया। और आज के दिन की बात करें लगभग दोस्तों 3.80 रुपये के आसपास ओपन हुआ था, 3.95 रुपये आ ही गया था, ठीक है। एक टाइम में स्टॉक में अच्छी तेज़ी आई और लो भी 3.75 रुपये के आसपास लो आया, ठीक है। और दोस्तों मार्केट देखें तो 654 करोड़ 555 करोड़ के आसपास मार्केट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टॉक को बाय करना चाहिए। कुछ लोग मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे, सर क्या ये 4 रुपये से प्लस जाएगा, क्या 5 रुपये जाएगा 4 से 5 रुपये? तो अब हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ मोटा मोटी कि ये डेफिनेटली बता रहा हूँ 4-5 रुपये इसके लिए कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। थोड़ा आप लोग होल्ड बना के रखो, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, बस आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखना मिल जा सकता है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो घबरा जाते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि अभी कल के दिन की छोड़ो परसों, उसके अगले दिन मतलब बहुत अच्छी इसके अंदर गिरावट भी हुई थी, ठीक है। तो ऐसे गिरावट के अंदर आप लोग घबराए ना, थोड़ा बहुत अगर आपके लोगों के पास पैसेंस होता है तो आप लोग ऐसे स्टॉक में ज़रूर डेफिनेटली पैसा कमा के निकल सकते हो। जो घबरा गया ना, डर गया, वो कभी पैसा नहीं बनाएगा मार्केट के अंदर, खो के जाएगा भाई साहब, खो के। आप लोगों को बता दिया मैंने, बाकी आप लोग एनालाइज ज़रूर करिए ऐसे स्टॉक को और आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। तो उस पेनी स्टॉक का नाम आपको दिखा दिया हूँ मैं। तो आज के दिन में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलती। अब 5 दिन की बात कर ले हम लोग, तो 5 दिन में लगभग 8.5% के आसपास स्टॉक अभी भी गिरावट के अंदर चल रहा है, ठीक है। अभी मंथली के चार्ट पैटर्न देखें तो लगभग वो भी 17.5% के आसपास अभी हमें गिरावट के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आज के दिन की हम बात करेंगे फाइनेंस रिजल्ट की, तो क्या स्टॉक में मतलब एक क्या तेज़ी आई नहीं आई, तो आप लोगों को उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टॉक आप लोगों को बता दूँ दिसंबर 2021 तक का ऐड हुआ इसके अंदर, ठीक है। फाइनेंस रिजल्ट इसके अंदर अभी 2022 का ऐड नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऐड होगा तो डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। अब रेवेन्यू की बात करें 813 करोड़ का रेवेन्यू मिल जाता है। नेट इनकम की बात करें तो जो अभी 5.5 लाख के आसपास अभी भी लॉस में चल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 0.69 पैसे अभी भी माइनस में चल रहा है। ऑपरेटर की इनकम देखें तो 54 लाख 54 टी के बराबर अभी भी माइनस में चल रहा है। कंपनी के पास कोई कर्जा कोई कैश नहीं है। और कॉस्ट रेवेन्यू देखें तो ये तेज़ी में देखने को मिलता है, 562 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि स्टॉक 6 मंथली के अंदर कितना हाई दिया। स्टॉक 8.30 रुपये के आसपास हाई दिया, उसके बाद में स्टॉक में एक गिरावट हुई, फिर एक मोमेंटम भी देखने को मिला, फिर अभी गिरावट हो रही है। और स्टॉक को आप लोगों मैंने एक बात बोली थी दोस्तों कि आप लोग जब तक बाय ना करो जब तक वापस ग्रीन की ओर मोमेंटम ना करे, ठीक है। तो आज के दिन में एक अच्छा पॉइंट था और इस करंट प्राइस में आप लोगों को स्टॉक देखने को मिल रहा है, इस करंट प्राइस में आने वाले एक मंथ के बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे पैसा आराम से 5-6 रुपये तक जा सकता है, इस मंथली के अंदर 6 रुपये प्लस तक जाएगा, डेफिनेटली बता रहा हूँ। इस मंथ के एंड तक आप लोग देख लेना, 6 रुपये तक स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी 6 मंथ की बात करें रिटर्न की तो लगभग अभी भी 153% के आसपास अभी भी इसके अंदर रिटर्न पड़ा है, ठीक है। यानी मतलब पैसा 1.5 गुना किया है स्टॉक ने, ठीक है, एक साल के अंदर। 5 वर्ष का देखें तो लगभग भाई साहब 5 वर्ष के अंदर 14 गुना पैसा बना के दिया है लोगों को, 14 गुना। अगर तेरा 14 गुना 5 साल के अंदर पैसा बन रहा है तो आप लोगों को मतलब घबराने की क्या ज़रूरत है, मुझे बताओ ना। होल्ड बना के रखो, वही तो आप लोगों को समझा रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड बना के रखोगे तो आने वाले फ्यूचर में आप लोग भी अच्छा खासा रिटर्न लेके निकल जाओगे, ठीक है। अभी हम बात करें ऑल टाइम की तो लगभग ऑल टाइम से भी स्टॉक अभी भी गिरावट में चल रहा है, 57% के आसपास, ठीक है। कभी ये स्टॉक आप लोगों को बता दूँ लगभग 12 रुपये के आसपास हुआ करता था, उसके बाद में भी स्टॉक ने एक हाई दिया था जो करीबन
7-8 रुपये के 7.5 रुपये के आसपास था, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक में कोई गिरावट नहीं आई, स्टॉक एक रेंज के अंदर चला और काफ़ी सालों तक। उसके बाद में स्टॉक के अंदर 2021 तक एंड तक इसके अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अभी स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, अभी तो दोस्तों गिर रहा है, ठीक है, गिरेगा नहीं भी नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं गिरेगा जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को ज़रूर मिलती है, और आप लोग अगर पेशेंस के साथ होल्ड बना के रखोगे तो कम से कम आप लोग 2 साल होल्ड करके चलो, आने वाले फ्यूचर में 2 साल के लिए होल्ड करके चलो ऐसे स्टॉक को, क्योंकि आप लोगों को अगर रिटर्न ही कमाना है। और ऐसी है कि जगह जगह मतलब ये करो वो करो बाय करो ये करो, तो ऐसी जगह पे मतलब ये सब करोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, उल्टा आप लोग अपना कैपिटल अमाउंट भी खो दोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप लोग पेशेंस के साथ थोड़ा होल्ड करिए और आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न कमा के निकल जाएंगे। उस पहले स्टॉक का नाम है एफसीएफ सॉफ्टवेयर सिलेक्शन लिमिटेड, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।